नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारत में जब भी बात आती है घरेलू क्रिकेट की तो सभी का ध्यान अक्सर रणजी ट्रॉफी पर जाता है। यूं तो भारत में कई तरह के घरेलू क्रिकेट का आयोजन होता है, मगर उन सभी में एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे रणजी ट्रॉफी जितने ही दर्जा दिया जाता है वो है विजय हजारे ट्रॉफी, जो भारत में लिमिटेड ओवर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर से हो रही है। आपको बता दें कि इस बार टूर्नामेंट में भारत के कई स्टार खिलाड़ियों को एक्शन में देखने को मिलेगा और जिसका फाइनल मुकाबला 27 दिसंबर को खेला जाएगा। यानी कि 20 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मगर आपको बता दें कि जहां इस टूर्नामेंट में कई भारतीय स्टार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, वहीं हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने यहां विजय हजारे ट्रॉफी को छोड़ने का ऐलान किया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि वो अपनी गेंदबाजी फिटनेस पर काम कर रहे हैं और इसके लिए वो एक प्रोग्राम में भी शामिल हुए हैं। ऐसे में उन्होंने इस बार ये टूर्नामेंट ना खेलने का ऐलान किया है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने भी हार्दिक पांड्या को टूर्नामेंट में शामिल होने को लेकर कई मेल भेजे थे, जिसका जवाब ये आया है कि वो फिलहाल मुंबई में रिहैबिलिटेशन में है। अगर बात करें इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली टीम की तो वो है तमिलनाडु की टीम, जिन्होंने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई की टीम ने 4 बार खिताब पर कब्जा किया था, मगर पिछले साल तमिलनाडु ने मुंबई की टीम को फाइनल में हरा कर 5वीं बार चैंपियन बनने के साथ ही ताज अपने सर पहना था। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।